हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। काले घने लंबे बाल किसे नहीं पसंद है। आप भी अगर अपने बालों को काला घना और लंबा करना चाहते हो तो इस हेयर ऑयल को एक बार जरूर ट्राई करें। तो चलिए चेक करते हैं हम अपने वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ कि कैसे हम बालों को मोटा, घना और काला बना सकते हैं। इसके लिए हम हिबिस्कस ऑयल का यूज करेंगे और उस ऑयल को कैसे तैयार करना है आज हम सीखेंगे। दोस्तों, गुड़हल का फूल एक बहुत ही जाना माना हर्ब है जो कि बालों की हेयर ग्रोथ के लिए यूज किया जाता है। इस हेयर ऑयल को तैयार करने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी उनमें से एक है हिबिस्कस फ्लावर, जिसे हिंदी में गुड़हल का फूल भी कहते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट है कोकोनट ऑयल, जिसे नारियल का तेल भी कहते हैं। इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको फूलों को अच्छी तरीके से धोकर और उनका ग्रीन पार्ट जो है वो अलग कर देना है। इन फूलों में से पानी को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से निकालना पड़ेगा, क्योंकि आगे जो हम प्रोसेस करने वाले हैं, अगर इन फूलों में पानी रहेगी तो वो आपका हेयर ऑयल भी ख़राब करेगा और उस प्रोसेस में भी आपको दिक्कत आएगी। अब आप एक कढ़ाई लें और उसे गैस पर गर्म होने के लिए छोड़ दें। जब आपकी कढ़ाई अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तब आप उसमें कोकोनट ऑयल, मैं यहाँ पे पैरासूट का कोकोनट ऑयल यूज कर रही हूँ, आप कोई भी कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं। अब आपको अपने तेल के गर्म होने का इंतज़ार करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा तेल गर्म हो चुका है। आपको फ्लेम लो कर देना है अब बिल्कुल। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि आपको फूलों में से पानी बहुत ही अच्छी तरीके से निकालना है, तो इस बात को आप दोबारा ध्यान में रखें। अब इस तेल में हमें हिबिस्कस फ्लावर यानी कि गुड़हल के फूल को थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालना है। आप इसे करते वक्त थोड़ा सावधानी बरतें। जैसा कि आप देख सकते हैं, फूल को डालने के बाद इसमें से छींटे पड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा थोड़ी बहुत है। इन सारे फूलों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में तेल में छोड़ने के बाद जब ये फूले अपने रंग छोड़ने लगे तेल में, तब गैस को बंद कर दें। हिबिस्कस हेयर ऑयल बहुत ही कारगर साबित हो चुका है हेयर के रीग्रोथ को बूस्ट करने में। हिबिस्कस ऑयल में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, जो कि कोलेजन को बूस्ट करता है, जो हमारे हेयर को हेल्दी एंड ग्रोथ को फास्ट करने में हेल्प करती है। इसमें भरपूर मात्रा में अमीनो एसिड भी पाया जाता है, जो हमारे बालों को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और हेयर के रूट्स को स्ट्रेंथन रखता है। हिबिस्कस ऑयल हमारे बालों को कंडीशन भी करता है, जिससे ड्राइनेस, फिजी हेयर और ब्रेकेज से मुक्ति मिलती है। हिबिस्कस ऑयल स्प्लिटेंट्स को भी दूर करता है और हमारे बालों को नरिश्ड एंड हाइड्रेटेड रखता है। गैस बंद करने के बाद 1 से 1.5 घंटा उसे ठंडा होने के लिए वैसे ही छोड़ दें। जब वो अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए तब एक छन्नी की मदद से इसे इस तरीके से छान लें और तेल अलग कर लें। गुड़हल के फूल में से आप तेल इस तरीके से चम्मच से दबा दबा कर निकालें, क्योंकि वही तेल आपका काम आने वाला है। आप चाहे तो तेल को छानने के लिए सूती कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आपको तेल को और फूल को अलग कर लेना है। इस तरीके से तैयार हो चुका है हमारा हिबिस्कस हेयर ऑयल। इसका इस्तेमाल करने का तरीका है, आप जब भी हेयर वॉश करें उसके 2 घंटे पहले आप अपने हेयर के रूट्स में इसे अच्छी तरीके से मसाज कर लें और 2 घंटे के लिए छोड़ दें। उसके बाद जो भी आप अपना रेगुलर शैम्पू यूज करते हो वो यूज कर लें। इस ऑयल के लिए कुछ प्रिकॉशंस हैं, जैसे कि आप इस हेयर ऑयल को बहुत ज़्यादा दिनों तक रख नहीं सकते हैं, इसे आपको 1 से 1.5 वीक के अंदर ही यूज करके ख़त्म करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा आप सभी को? अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।